नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्याय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई थी? विकल्प हैं ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा डी उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये उज्जैन में आयोजित हुई थी आम सभा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बीते 29 मई को उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। बता दें कि वैकल्पिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिसका मकसद चिकित्सा के बाद के प्रभाव को हासिल करना है, यानी रोगी ठीक कैसे होगा इसी पर सारा ध्यान केंद्रित करना होता है। भारत में इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। इसके तहत मुख्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल होते हैं। इनमें से कुछ पद्धतियाँ भारतीय मूल की मानी जाती हैं तो कुछ भारत में बाहर से आई हैं और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने साल 2014 में एक आयुष मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके अलावा सरकार द्वारा इस संबंध में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और विभिन्न देशों के साथ कई तरह के समझौते करना आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बीते 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया गया। दूसरा, इस वर्ष की थीम है जनता, शांति और प्रगति, मुस्कराते लोग। इस वर्ष की यानी साल 2022 की थीम की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया गया। पूरा विश्व इस दिवस पर सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करता है। 1948 के बाद से 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने भाग लिया है। इस साल यानी साल 2022 की थीम है जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। गौरतलब है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 1960 में भारत ने कांगो में डॉक्टर और नर्सों की टीम भेजी थी। इसके बाद 2008 में लाइबेरिया के लिए महिला शांति रक्षकों की टीम भेजी गई। ये सभी मात्र उदाहरण भर हैं और भी कई इस तरीके के मिशन में भारत ने सहयोग दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक सशक्त माध्यम के रूप में शांति रक्षा सेना का इस्तेमाल यानी उपयोग करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को की गई थी। दूसरा, ये संस्कृत मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल तीन, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन अथवा डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन एक और तीन सत्य है, दूसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 29 मई को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का 10 दिन का जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन समारोह में 6 देशों घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे से 27 सदस्यों के शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा के अपने अपने अनुभव साझा किए। बता दें कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 9 अप्रैल 1950 को भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना की गई, जो एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य
भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना है और तमाम देशों के नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। बात इसके महत्व की करें तो ICCR सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से सॉफ्ट पावर में वृद्धि करके भारत की विदेशी नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। नागरिक के नागरिक से बने सांस्कृतिक संबंध कूटनीतिक राजनीतिक संबंधों की तुलना में यानी इनके मुकाबले स्थायी और दीर्घकालिक हितों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वेस्ट नाइल वायरस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये पक्षियों से इंसानों में संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। दूसरा, आमतौर पर वेस्ट नील वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में इसके मतलब बीमार होने के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेस्ट नाइल वायरस के कारण त्रिशूर के एक 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बता दें कि वेस्ट नील वायरस या वेस्ट नाइल वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खोज पहली बार 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उप क्षेत्र में की गई थी। ये पक्षियों से इंसानों में संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। ये इंसानों में गंभीर तंत्रिका संबंधी रोग जैसे कि इंसेफेलाइटिस या मैनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। वेस्ट नील वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में बीमार होने के लक्षण नहीं नजर आते हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से 5 में से करीब एक शख्स को सिरदर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और बुखार हो सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को सबसे ज्यादा इस बीमारी का खतरा रहता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी पांचवें प्रश्न की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बी, इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साल 1987 से मनाया जा रहा है। सी, यह दिवस तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अथवा डी, इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है सेहत और इंसान की रक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। यह दिवस तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तंबाकू के प्रकोप और उसके कारण होने वाली मौतों को रोकने और इस विषय पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साल 1987 से मनाया जा रहा है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है पर्यावरण की रक्षा। एक आंकड़े के मुताबिक तंबाकू प्रकोप विश्व की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिससे हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 6 मिलियन से ज्यादा मौत प्रत्यक्ष तंबाकू उपभोग के कारण होती है, जबकि लगभग 8,90,000 मौतें निष्क्रिय धूम्रपान के संपर्क में आने के बाद होती हैं। बता दें कि जो लोग बिना सिगरेट पिए ही सिगरेट के धुएं का शिकार होते हैं, उसे निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।